जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से फार्मास्यूटिकल कंपनी रेडी लैब लिमिटेड कंपनी द्वारा ट्रेनिंग के 20 पदों को भरने के लिए टाउन हॉल में इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू सुबह 10 बजे शुरू हुए। 2 वर्ष तक अभ्यर्थी को कंपनी की ओर से ट्रेनिंग पीरियड में प्रतिवर्ष 1,45,000 रूपए राशि दी जाएगी। इस लिखित परीक्षा के लिए जिला रोजगार कार्यालय के साथ साथ उप रोजगार कार्यालय में भी पंजीकृति कॉल लेटर के अनुसार उन्हें दूरभाष नंबर पर इस रोजगार इंटरव्यू में बुलाया गया। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील अरोड़ा के साथ अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों ने अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली। फार्मास्यूटिकल कंपनी रेडी लैब के प्रबंधक सुनील अरोड़ा ने बताया कि लिखित परीक्षा में 42 अभ्यर्थी उत्तीर्ण रहे। अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत इंटरव्यू व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी योगराज तिमान ने बताया कि इंटरव्यू में आवेदक जमा 2 की परीक्षा साइंस विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। डॉक्टर रेड्डी लैब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बद्दी में, तो उनका टीम मेंबर ट्रेनीज इन्होंने रखना है। 20 पोस्ट नोटिफाई की है और ये इसके लिए जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो वही पात्र हैं जो जिन्होंने 2017 में 10+2 साइंस विषय में 60% अंकों के साथ जिन्होंने उत्तीर्ण की है वो बच्चे पात्र हैं और आयु उनकी 18 से 20 वर्ष के बीच। तो ये जल्दी जल्दी अरेंज किया गया एक साक्षात्कार है क्योंकि कंपनी को रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, तो उस वजह से फिर जैसे भी हमें ये कम्युनिकेट हुआ इनका तो इमीडिएटली जो है बच्चों को अब टेलीफोन के जरिए दूरभाष पे इस कार्यालय द्वारा हमारे जो फील्ड के 4-5 सब ऑफिसर हैं उनके द्वारा सूचित किया गया कि ऐसे ऐसे जो भी क्वालिफिकेशन है वो करते हुए जो बच्चे पूरे करते हैं टाउन हॉल में आज 10 बजे पहुंचाए। ये आह्वान युवाओं से युवतियों से किया गया जो पात्र युवक युवतियों की वहां भाग लें। इस कंपनी में एक अच्छा कैरियर है और 1,45,000 कॉस्ट टू कंपनी सालाना जो बच्चों को है उनको वेतनमान दिया है। 2 साल के लिए प्रोविजन पीरियड है, उसके बाद ये बीएससी फार्मास्यूटिकल साइंस में इन बच्चों को करवाएंगे। अभी सुबह जब मैं टाउन हॉल गया था तो लगभग कुछ 60 बच्चे इस रिस्पांस में जो हमारी एफर्ट्स थी उसके रिस्पांस में ये यहाँ पहुंचे, तो लगभग 40 बच्चे जो क्राइटेरिया जो फुलफिल करते थे उनको वो टेस्ट दे रहे हैं वर्तमान में अभी वहां पे। तो 20 बच्चे उसमें से कंपनी के जो आए हैं उनको मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि अच्छे बच्चे हैं और ठीक ढंग से, और यदि इसमें पास हो जाते हैं तो 20 बच्चे जो है हम यहाँ से ले जाएंगे।